सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए क्योंकि ना किसी की दुआ खाली जाती है और ना किसी की बददुआ। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। आज का पंचांग 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि दोपहर 1:55 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2:28 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:52 से 9:25 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। गौरी पूजा की आप सभी को शुभकामनाएं। मिथुन राशि 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार कार्य अभी आपके अधिक समय और ध्यान की मांग कर रहा है। नया प्रशिक्षण आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करेगा। उन दोस्तों के साथ खाली समय बिताकर तनाव से छुटकारा पाएं जिनकी कंपनी आपको आकर्षित करती है। करीबी लोगों के साथ होने से आपकी चिंता और अकेलापन दूर होगा। लोगों के साथ बातचीत आपको ऊर्जा और कौशल प्रदान कर सकती है। आराम करें और दूसरों की संगति का मजा लें। आपकी सामूहिक या संगठनात्मक गतिविधियां आपके परिवार और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आज बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत होगा, साथ ही संपर्कों से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है। आपकी उपस्थिति और सेवा से बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। बच्चों की समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। पार्टनर अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ आपके जीवन में भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे। सेहत सुधरती हुई नजर आ रही है। नए लोगों के साथ जुड़ने से काम से संबंधित नया नजरिया प्राप्त होगा। सावधानियां, आप परिचित व्यक्तियों से मुलाकात करते समय सावधान रहना भी जरूरी होगा। साथ ही जल्दी ही अपने बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं दे तो अच्छा है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात का वर्तमान पर प्रभाव ना पड़े। बात करते हैं लव लाइफ की। आज का दिन प्यार की बहार से भरा है, जहां आप अपने साथी के साथ अंतरंग क्षणों का अनुभव कर सकते हैं। अगर सोलमेट की तलाश है तो प्रयास करते रहें क्योंकि कोई खास जल्दी आपके जीवन में प्रवेश करेगा। दुश्मन से सतर्क रहें क्योंकि प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आज आप बिल्कुल बेफिक्र हैं क्योंकि आपका हर काम सफलतापूर्वक पूरा हो रहा है। अपने पुराने दोस्तों और सहकर्मियों से मिलकर आप अपने सुखद अनुभवों को बांटें। आपकी सामूहिक गतिविधियां आपके जीवन और घरेलू जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथी के साथ टहलना, चैट करना और छोटी छोटी बातों पर साथ में हंसना जीवन में मिठास ले आएगी। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस चरण में आपके प्रयास और क्षमता आपके पॉजिटिव पॉइंट है। यह समय आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने की आजादी देगा, इसीलिए इनका पूरा लाभ उठाएं। दुश्मन और विवाद आपको आज कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको कमजोर नहीं होने देगा। दूसरों से बातचीत करना आपको फिर से जीवंत और युवा महसूस करा सकती है। आराम करें और दूसरों की कंपनी का आनंद लें। इस समय अपनी प्रियजनों से बढ़कर आपके जीवन में और कुछ भी नहीं है। लोगों की तारीफ करके आप उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे जीवन अच्छा और सुगम बनेगा। बात करते हैं सेहत की। कुछ हल्का फुल्का तनाव हावी हो सकता है, हालांकि आप जल्दी इस पर काबू भी पा लेंगे।
आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्र चढ़ाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।